नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज रात्रि 3:30 बजे से ब्रह्मांड की सबसे शुभ राशि बनने वाली है आपकी राशि। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए यह चार चीज़ों से मुंह मोड़ना पड़ेगा। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ये चार चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपने जीवन काल में आगे नहीं बल्कि पीछे जा रहे हैं। जय दोस्तों, तो दोस्तों हमारा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। जय दोस्तों, इनमें जो भी ज्ञान आपको मिलने वाले हैं, जो भी जानकारी आपको मिलने वाले हैं, यकीन मानिए दोस्तों आपके आने वाले जो भी समय है बिल्कुल ही वह बदलने वाले साबित होंगे। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय हनुमान। महाबली हनुमान जी का अशुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हम आप सभी को बता दें कि बदलते ग्रहों के चाल के साथ साथ हमारे जीवन काल में भी बदलाव होते रहते हैं। जय दोस्तों, अगर हम समय के साथ खुद को नहीं बदलते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाता है। जय दोस्तों, अगर हम समय के साथ अपने जीवन काल में भी कुछ बदलाव करते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते हमारे जीवन काल में भी परिवर्तन होते हैं। दिन दुगनी रात चौगनी के राह पर हमारा भविष्य चलने लगता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं जो कि आज रात्रि 3:30 बजे से आप सभी के जीवन काल में आपको नहीं करनी है। जय दोस्तों, आने वाले भविष्य में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जय दोस्तों, क्यों दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज रात्रि 3:30 बजे से ग्रहों की जो स्थिति बनने वाली है, ग्रहों में जो भी गोचर होने वाले हैं दोस्तों, आपकी राशि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, जो कि आपकी राशि को सबसे शक्तिशाली राशि बनाने वाली है। तो दोस्तों ऐसे में आप कोई भी गलती ना करें और दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लें, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो में आपकी जीवन की सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। आने वाले समय में आप कैसे अपने जीवन काल में सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ अब आपको मिलने वाली है, कौन कौन से बड़े चमत्कार अब आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं या ग्रहों के बदलाव के कारण, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मधुर और महत्वपूर्ण कहानी से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही ऊर्जा का निर्माण करेगा, बहुत ही अच्छी शक्तियां जागृत करने वाली है। तो दोस्तों इन्हें भी आप बहुत ही गौर से सुने कि दोस्तों एक बार एक संत ने एक भक्त से पूछा कि हम ठाकुर जी के आगे भोग धरते हैं लेकिन भोग कम नहीं होता, इनका मतलब ठाकुर जी हमारा भोग नहीं स्वीकार करते। तब संत ने कहा कि जिस तरह फूल से चुगंध सूंघ लेने से उसका वजन कम नहीं होता, ऐसे ही भगवान रसमय स्वरूप है, वो भोजन का दिव्य रस ग्रहण करते हैं, इसलिए भोग कभी कम नहीं होता। अब जब भी आप सब ठाकुर जी के आगे भोग रखें तो इसी विश्वास के साथ रखें कि भोजन कम हो या ना हो, ठाकुर जी ने हमारा रस रूप में ग्रहण कर लिया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप सुन पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें सच्चे मन से जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि आज रात्रि 3:30 बजे से जो ग्रहों में बदलाव होने वाले हैं, इनके अनुसार आपको भी अपने जीवन काल में कौन से चार चीजें हैं जिनसे आपको मुंह मोड़ लेना चाहिए, ताकि दोस्तों आने वाले समय में आपको किसी भी संकट समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप अपने जीवन काल में कार्य करते हैं, बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन के तरीके से कार्य करते हैं, जब तक आपको उस कार्यों में सफलता की प्राप्ति नहीं होती तब तक आप उस कार्य पर लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज से आपको अपने जीवन काल में कुछ परिवर्तन इनमें लाना चाहिए। जी दोस्तों, आप जिस भी कार्य पर लगते हैं तो दोस्तों उनमें आप बहुत ही गहरे तरीके से डूब जाते हैं, लेकिन दोस्तों वह कार्य आसानी तरीके से भी आपका हो सकता है, कभी आप उसके बारे में गौर नहीं करते। जी दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास रहता है, आप मेहनत करते करते 1000 रुपये दिन भर में कमा लेते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं आपके पड़ोसी वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं अपने माइंड से कार्य करके एक दिन में लाखों की कमा लेते हैं, एक दिन में वह 10,000 तक कमा लेते हैं। तो दोस्तों आपको भी अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है कि जिन कार्यों में आप मेहनत कर रहे हैं क्या वाकई उस कार्यों में उतना मेहनत लगता है, क्या उनसे आसानी तरीके से भी आप उनमें कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने आने वाले जीवन काल में इस बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों आज के इस दौर में
पेशों का जो दौर है दोस्तों बहुत ही तेजी तरीके से बढ़ रहा है, इनमें थोड़ा सा आपको माइंड भी लगाना होगा। जी दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि दोस्तों अब अपने जीवन काल में आप हार्ड वर्क के साथ साथ ही स्मार्ट वर्क पर भी जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों हम आपसे को बता दें कि अगला जो कार्य है जिनसे आपको मुंह मोड़ देना है वह दोस्तों है गलत संगत और बुरी आदत। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे को बता दें अक्सर आप जो चीज़ों को नहीं भी करना चाहते हैं आपके दोस्त वर्ग जो है दोस्तों वो ही आपको शिकार पर बहलाते हैं, आपको फुलाते हैं और आप गलत संगत में लगकर बुरी आदतों का भी शिकार हो जाते हैं। जी दोस्तों, जिस कार्य को आप नहीं भी करना चाहते हैं वो दोस्तों आपकी गलत संगति है जो आपको ले जाकर बुरी आदत में लगा देते हैं और वह आदत आपका छूट नहीं पाता है और दोस्तों जीवन भर आप अपने आप को कोसते रहते हैं। तो दोस्तों अब से जब ग्रहों की स्थिति शुभ बनने वाली है तब दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ख्याल रखना है कि दोस्तों जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, जो भी आपके जीवन काल में गलत संगत के लोग हैं, बुरी भावना के लोग हैं, दोस्तों उनसे आप दूरी बना लें। क्यों दोस्तों, आने वाले भविष्य में ये सभी आपको काम बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। जहाँ तक आपके माथे पर इनसे डिप्रेशन ही होगा, चिंताएं होंगी और परेशानियां ही आपके जीवन काल पर बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आप अपने जीवन काल में अब इन बातों का ख्याल रखें। जय दोस्तों, और दोस्तों तीसरा चीज है कि ज्यादा गुस्सा मत करें। जी दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके जीवन काल में बहुत ही बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों गुस्से में लिया गया निर्णय कभी सही हो ही नहीं सकता, अच्छा अच्छा कार्य भी गुस्से में बिगड़ जाता है। तो दोस्तों अपने जीवन काल में गुस्सा करते हैं तो दोस्तों इस पर भी आप अपने जीवन काल में आने वाले समय में कंट्रोल करें, क्योंकि दोस्तों इनसे आप शिविर के जीवन काल में बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो दोस्तों सोचने की जो क्षमता होगी वो आपकी बढ़ेगी और हर कार्यों में आप माइंड से काम लेंगे, जिससे दोस्तों तरक्की का राह भी आपका बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों चौथा आता है कि कार्य होने से पहले किसी को ना बोलें और ना ही किसी के ऊपर आँख मूंद कर यकीन करें। जी दोस्तों, आप अपने जीवन काल को आगे बढ़ाने के लिए खुद को उसमें सम्मिलित करें। जी दोस्तों, कभी भी किसी और पर यकीन करके किसी कार्य को उनके हाथों में बिल्कुल ना सौंपे, क्योंकि दोस्तों ये आपकी गलती हो सकती है। जहां पर आप ना जाएं उस कार्य को किसी को भी ना दें, अपने आंखों के सामने ही आप हर कार्य को करें, क्योंकि दोस्तों इनसे आपके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और आने वाले समय में आपके हाथों कोई भी गलतियाँ होंगी ही नहीं और आपका जीवन बहुत ही सफल रहने वाले हैं। दोस्तों आज रात्रि 3:30 बजे से आप सभी को अपने जीवन काल में ये चार चीज़ों से मुंह मोड़ना होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आज रात्रि 3:30 बजे से आप सभी के जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति बनी है इनके कारण कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां आपको मिलने वाली है प्रत्येक क्षेत्र में। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले उस बारे में गहरी जानकारी जरूर लें। आपको बता दें कि इससे बहुत अच्छे नतीजे आपको हासिल होंगे, घर में सुधार और नवीकरण की योजनाएं बनेगी, बच्चों को कोई उपलब्धि मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा अपने फ्यूचर के प्रति और अधिक ध्यान देने का मन करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपने अनावश्यक खर्चों को सीमित रखें, क्योंकि यह समय जो है अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। प्रॉपर्टी अथवा गाड़ी संबंधित कोई भी लोन अपनी क्षमता से अधिक ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। मामा पक्ष के साथ भी संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पुरानी बातों को छोड़कर नए जीवन की तरफ देख पाना आपके लिए संभव हो सकता है। योग थेरेपिस्ट की मदद से भावनात्मक जो है उलझन कम होगी। आपको बता दें कि मित्र द्वारा मिला सहयोग आपका आत्मविश्वास भी यह समय बढ़ाने वाले हैं। पैसे से संबंधित तकलीफ को दूर करने की आपकी कोशिश जारी रहेगी।